Good morning, everyone. I am Dr. Amit Kumar Agrawal. I am Assistant Professor, Department of Medical Oncology at AIIMS Raipur. मैं यहाँ लंग कनेक्ट के माध्यम से आपको स्टेज फोर लंग कैंसर में कीमोथेरेपी के रोल के बारे में बताना चाहता हूँ. हम जानते हैं लंग कैंसर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है. अगर हम प्रिवेलेंस की बात करें, यानी कि इसकी संभावना की बात करें, तो भारत में स्पेशली अगर पुरुषों में ये वन ऑफ द कॉमन कैंसर है. और रिस्क फैक्टर के बारे में, जैसा आप सभी जानते हैं, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के होने की वजह से. तो क्योंकि भारत में महिला की तुलना में पुरुषों में स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये बीमारी ज़्यादातर केस में पुरुषों में मिलती है. परंतु ऐसा नहीं है कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उसमें ये बीमारी नहीं हो सकती है. मैं यहाँ पे कीमोथेरेपी के बारे में बात करना चाहता हूँ. चूँकि यह बीमारी भारत में ज़्यादातर एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करती है, यानी कि ज़्यादातर मरीज हमारे पास स्टेज फोर लंग कैंसर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में सर्जरी कोई ऑप्शन नहीं रह जाता. ऐसे में जो भी हम इलाज देते हैं उससे बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हाँ, ज़रूर हमारे पास इसका इलाज है जिससे हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं. कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब ऑप्शंस हैं. इसके अलावा टारगेट थेरेपी का भी ऑप्शन है. अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, तो कीमोथेरेपी का यहाँ पर उद्देश्य बीमारी को जड़ से ख़त्म करना तो ज़रूर नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी के द्वारा हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके द्वारा लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव किया जा सकता है. नॉट ओनली क्वालिटी, ऑल्सो क्वान्टिटी. इट मीन्स कि ज़िंदगी को हम लंबा बना सकते हैं, उनके सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ लक्षणों को कम करके उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है. चूँकि हम जानते हैं लंग कैंसर में फेफड़े प्रभावित होने की वजह से मरीज़ ज़्यादातर कफ या सांस में तकलीफ़ या सांस में बलगम के साथ खून आना, ये सब लक्षणों के साथ प्रेजेंट करते हैं, या फिर और ज़्यादा एडवांस स्टेज होने पे ये शरीर के दूसरे जो आसपास के अंग हैं, जैसे कि आहार नली या फिर हार्ट, इन सब को भी अफेक्ट कर सकता है. तो अगर हम बीमारी को किसी भी वजह से, जो कि ज़्यादातर हम कीमोथेरेपी देते हैं स्टेज फोर डिजीज़ में, उससे अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ये सारे लक्षण कम हो सकते हैं. जी हाँ, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम मरीज का जो भी जीवन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं और साथ ही जीवन की जो अवधि है उसको भी बढ़ा सकें. एक कॉमन मिथ, जो एक भ्रांति होती है आम लोगों के मन में, जिससे हम डे टू डे रोज़मर्रा के हमारे क्लिनिक में हम फेस करते हैं, सभी का पहला सवाल होता है कि सर, कीमोथेरेपी की वजह से मरीजों की जीवन शैली में काफ़ी गिरावट आ जाती है. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम हमेशा किसी भी मरीज के लिए जब ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है. किस इलाज से मरीज को फ़ायदा होने की संभावना है इस तुलना में कि उसको क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक कीमोथेरेपी से मरीज को हमेशा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और फ़ायदा नहीं होता है. तो मरीज को लंग कैंसर में हमारे पास बहुत सारे कीमोथेरेपी के ऑप्शंस हैं जिससे मरीज को फ़ायदा होता है. और हमारे कई ऐसे मरीज हैं जिनको दर्द या फिर सांस की तकलीफ़ या जो छाती में फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर जाता है, इन सब चीज़ों में कमी आती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होता है, जीवन की अवधि में सुधार होता है. इसलिए मेरा यह आप सभी से मेरी ये सलाह है कि केवल ये भ्रांति पालकर कि कीमोथेरेपी की वजह से मरीज के को साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उससे उनके बाल झड़ जाते हैं और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, ये सब सोच के आपको भ्रमित नहीं होना है. आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए. आप चाहें तो आपकी जो भी भ्रांतियाँ हैं उनको लंग कनेक्ट के माध्यम से आप दूर भी कर सकते हैं. और आप अपने डॉक्टर, जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो भी कैंसर के आपके विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह कीजिए. उनसे उनके मरीज जो इलाज है उसके फ़ायदे, उनके नुकसान के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, उसके बाद ही ये डिसीजन लीजिए. पर एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होने के नाते मेरी आपसे ये ज़रूर सलाह होगी कि भ्रांतियों में ना पढ़ के जो उनके एविडेंस हैं उस पर आप विचार कीजिए और अपने मरीज के लिए हमेशा एक बेहतर ऑप्शन की तलाश में आपको सोचना चाहिए. इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए आप लंग कनेक्ट से जुड़ सकते हैं.